हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सभी का दोस्त प्रमोद, और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट। तो गाइस, लेके आ चुका हूँ मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको न्यू लेटेस्ट स्क्रीन रीडर के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, ये जो स्क्रीन रीडर है गाइस, ये बहुत ही फास्ट काम करता है गाइस। जो आपका जो टॉकबैक है ना गाइस, तो टॉकबैक से भी अच्छा ये वर्क करता है। मतलब कि फास्ट टॉकबैक से फास्ट वर्क करता है गाइस, है ना। अब आप सोच रहे होंगे क्या जीसो की बात कर रहे हो। नहीं गाइस, जीसो की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा स्क्रीन रीडर है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो ये इतना फास्ट वर्क करता है कि आपको क्या बताऊँ। कौन सा स्क्रीन रीडर है सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाला। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख पाए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किया हो तो आप हमें अबाउट पेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेल के लिए अलग सा ग्रुप बनाया गया है और फीमेल्स के लिए भी अलग सा ग्रुप बनाया गया है गाइस। गाइस, जिस स्क्रीन रीडर के बारे में मैं बताने लो, इस स्क्रीन रीडर की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। या तो आप टेलीग्राम पे जाओगे, सर्च करोगे टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट, तो आपको चैनल मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो चले गाइस, अब हम बिना देर के करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, उस एप्लीकेशन का नाम है, मतलब वो स्क्रीन रीडर है, एक एप्लीकेशन नहीं कहो तो चलता है ना। तो उस स्क्रीन रीडर का नाम है, मैं सुना देता हूँ, Pudens screen reader. इसकी स्पेलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। D-E-S-C-R-E-E-N-C-R-E-E-N-C-R-E-A-D-E-R. Open app door. ठीक है, तो ये है गाइस इसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रीन रीडर है। तो आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है गाइस। ठीक है, अब इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है। इसमें कुछ जेस्चर एक्स्ट्रा है टॉकबैक से, यहाँ दो तीन जेस्चर ऐसे एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए गए हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। और ये अभी अभी जो लॉन्च हुआ है, तो जो भी आपको कमियाँ दिखाई दे रही होगी, हम कंपेयर तो नहीं करेंगे टॉकबैक अच्छा है या जिसो अच्छा है, लेकिन जैसा भी है अच्छा है। आपको यूज करना है, आपको जो भी कमियां नज़र आती होगी तो आपको जो है फीडबैक देना है। ठीक है, फीडबैक जो डेवलपर है उनको आपको फीडबैक देना है। ओके, तो यहाँ पे उनके कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों को भी लिंक दी गई है, तो ग्रुपों में जुड़ के फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, या प्ले स्टोर से भी आप दे सकते हो। मैं आपको बताऊँगा कैसे जुड़ना है इनके व्हाट्सएप ग्रुपों में। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं इस स्क्रीन रीडर को। Simple radio. Wasted. Public. Web. Authenticated. Vote. Airtel. On. What. Dot. Sim. Open. Prominent screen reader. ठीक है, तो ये स्क्रीन रीडर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। Prominent screen reader. तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब इस स्क्रीन रीडर पे क्लिक करने के बाद फिर आपको आगे स्वाइप करना है। Prominent screen reader. आगे. Accessibility settings. यहाँ पे accessibility setting है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो accessibility setting है, इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन के सेटिंग में, जो आपके फ़ोन के सेटिंग में जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग होती है ना, वहाँ पे आप चले जाओगे गाइस। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले, इसको ऑन करने से पहले इसके कुछ सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, तो आगे स्वाइप करते हैं। वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग्स। वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग, मतलब जैसे कि हमारे टॉकबैक में जो होता है टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग ना गाइस, तो उसी तरह यहाँ पे वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग है। ठीक है, मतलब वही है चाहे हमारे टॉकबैक में होता है ना टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, जहाँ से आप हम TTS चेंज कर सकते हैं, तो वही है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, मतलब जो है जितने भी TTS है वो शो होंगे, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो है जैसे, मतलब जैसे कि बताया मैंने टॉकबैक में जो होता है टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, तो उसी तरह ही है। इसके आगे लेवल ऑफ डिटेल, मतलब हमारे फ़ोन में जो वर्बोसिटी का ऑप्शन होता है ना गाइज, तो उसी तरह है ये। इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी हमारे फ़ोन में, जो हमारे टॉकबैक में, जो हम टॉकबैक यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो वर्बोसिटी का ऑप्शन होता है, और वर्बोसिटी में जो जितने भी ऑप्शन होते हैं ना,
तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बीप्स एंड वाइब्रेशंस, बीप्स एंड वाइब्रेशन, जैसे कि हमारे टॉकबैक में होता है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो उसी तरह यहाँ पे बीप्स एंड वाइब्रेशन ऐसा आएगा। ठीक है, आगे कस्टम गेस्चर, कस्टम गेस्चर, यहाँ से आप गेस्चर मतलब सेट कर सकते हैं, जैसे हम टॉकबैक में रखते हैं ना गेस्चर, तो उसी तरह यहाँ पे कोई भी गेस्चर आप रख सकते हो। ठीक है गाइस, तो वो है, मैं आगे सब कुछ बताऊंगा कैसे करना है। आगे कस्टमाइज मेन्यूज, कस्टमाइज मेन्यूज, यहाँ से आप मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे टॉकबैक में हम कस्टमाइज मेन्यू करते हैं। ठीक है, आगे एडवांस सेटिंग है यहाँ पे, अबाउट अस, अबाउट अस, अबाउट अस, अबाउट अस में इनके व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है वो सब कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, तो अब मैंने सब कुछ सेटिंग बताई, अब हम एक एक सेटिंग पे क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ओपन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आगे वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग्स, वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूं, वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग, वॉइस लाइब्रेरी स्पीच रेट, स्पीच रेट, स्पीच रेट स्लाइडर 50 पोजीशन, ठीक है 50% स्पीच स्लाइड, वॉल्यूम, वॉल्यूम स्लाइडर 100 पोजीशन, ओके वैल्यू है, स्केल, स्केल स्लाइडर 10 पोजीशन, सिस्टम रेडियो बटन चेक्ड, सिस्टम रेडियो बटन चेक है, कैथर एंड हाई डेफिनेशन वॉइस ऑफ आई टीटीएस आई टेक फ्रीडम कॉन्टेंट विद डेवलपर्स, पूरे मतलब टीटीएस जितने भी मेरे पास वो आ चुके हैं, सिलेक्ट सी डॉट नेट सी डॉट सिलेक्ट रेडियो बटन चेक्ड, स्पीच रिकॉग्निशन एंड सिंथेसिस फ्रॉम गूगल कॉम डॉट गूगल डॉट एंड्रॉइड डॉट टीटीएस रेडियो बटन चेक्ड, देखिए पूरे मतलब टीटीएस सपोर्टेड फॉर एंड्रॉइड वर्जन 5 टू एंड्रॉइड वर्जन 12 कॉम डॉट स्पीक डॉट ऑडिट रेडियो बटन चेक्ड। ठीक है, MIUI स्पीच इंजन कॉम डॉट Xiaomi डॉट मिडब्रेन डॉट स्पीच रेडियो बटन चेक्ड, तो ये सब कुछ यहाँ पे मतलब टीटीएस हो रहेगा गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ, तो ये टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग जो होता है हमारे टॉकबैक में उसी तरह ये है। ठीक है, वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग, लेवल ऑफ डिटेल, तो इस पे क्लिक करते हैं, लेवल ऑफ डिटेल, लेवल ऑफ डिटेल पे मैंने क्लिक किया, बाकी सब करते हैं, एलिमेंट डिस्क्रिप्शन ऑर्डर, एलिमेंट डिस्क्रिप्शन ऑर्डर है ये, स्पीक यूसेज हिट्स ऑफ स्विच ऑफ, ये स्पीक यूजेज सीन, सुन लीजिए फिर से, स्पीक यूसेज हिट्स ऑफ स्विच ऑफ, ये ऑफ स्विच ऑफ, जैसे देखो टॉकबैक जाए स्पीक यूजेस हिन ऑफ्टर डिस्क्राइब कॉन्टेंट, ऐसा इतना बड़ा लिखा होता है गाइस, लेकिन यहाँ पे एकदम आसान शब्दों में लिखा हुआ है स्पीक यूजेस हिन, सिर्फ कितना अच्छा लिखा हुआ है ना, तो ये वही है डबल टैप टू एक्टिवेट, डिफॉल्ट में ऑफ होता है गाइस, अगर आप इसको ऑन करोगे तो डबल टैप टू एक्टिवेट ऐसा बोलेगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल ये ऑफ है गाइस, तो ये डबल टैप टू एक्टिवेट का है, ये आप चाहते हो कि डबल टैप टू एक्टिवेट बोलना चाहे तो इसको ऑन कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि डबल टैप टू नहीं बोलना चाहिए तो इसको आप ऑफ ही रहने दे सकते हो। आगे स्पीक लिस्ट एंड क्रिएटेड फ्लो ऑफ स्विच ऑफ, तो ये वही है जो कि मैंने टॉकबैक सेटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो, तो टॉकबैक सेटिंग में जो भी होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे है गाइस। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये है, नंबर बताता है, जैसे जिसने भी जितने भी नंबर, जैसे 10 कॉन्टैक्ट है तो 5 नंबर पे कॉन्टैक्ट पे हो, तो पेज 5 अप 10 जो बोलते हैं ना वो है। ठीक है, स्पीक एलिमेंट टाइप ऑन स्विच ऑफ, ओके, स्पीक विंडो टाइटल ऑफ स्विच ऑफ, ओके, स्पीक नोटिफिकेशंस व्हेन स्क्रीन इज ऑफ ऑफ स्विच ऑफ। ठीक है, तो ये है इस, मतलब ये स्क्रीन ऑफ होता है फिर भी नोटिफिकेशन आता है तो स्क्रीन ऑन ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर ये ऑन रहता है तो। ठीक है, लेकिन ये ऑफ है इसको ऑफ ही रहने देते हैं। स्पीक कैपिटल टाइटल ऑफ स्विच ऑफ, स्पीक देखो, स्पीक कैपिटल टाइटल ऑफ स्विच ऑफ, कैपिटल टाइटल मतलब कि आप क्या चाहते हो, आप मतलब टाइपिंग करोगे तो कैपिटल ये कैपिटल भी जैसे बोलते हैं ना टॉकबैक के साथ, टॉकबैक हम जब यूज़ करते हैं तो ये डिफॉल्ट में ऑफ होता है, तो आप चाहते हो कि इसके साथ भी ऐसा बोलना चाहिए तो इसको आप ऑन कर सकते हो, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन। आगे स्पीक एलिमेंट इज ऑफ स्विच ऑफ, स्पीक एलिमेंट आईडी स्विच ऑफ है ये, स्पीक एलिमेंट इज, मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, तो लेवल ऑफ डिटेल हमने देख लिया अभी, आगे बीप्स एंड वाइब्रेशंस, बीप्स एंड वाइब्रेशन, तो यहाँ पे भी वही है, बीप्स एंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन फीडबैक ऑन स्विच ऑन, वाइब्रेशन फीडबैक ऑन है, आप क्या चाहते हो वाइब्रेट होना चाहिए, ऑडियो डॉकिंग ऑफ स्विच ऑफ, ये ऑडियो डॉकिंग है ये ऑफ है तो इसको आपको ऑन कर लेना है गाइस, ये ऑफ रहेगा तो क्या होगा कि आपका जो आप जो भी वीडियो या ऑडियो सुनोगे और आगे स्वाइप स्लाइड करोगे ना तो आपके टॉकबैक का धीमा आएगा तो समझ ही नहीं आएगा है ना, अगर ये ऑन करोगे तो क्या होगा कि आपके टॉकबैक का कम भी होगा और ऑडियो का वॉल्यूम तेज होगा तो ऑडियो का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली धीमा हो जाएगा और टॉकबैक का थोड़ा तेज सुनाई देगा, समझ आ जाएगा, तो इसको ऑन कर देना है, सभी के पास ये ऑन होना चाहिए, इसको ऑन करता हूँ, ऑन। आगे साउंड फीडबैक ऑन स्विच ऑन, साउंड फीडबैक ऑन है तो ये साउंड फीडबैक का है तो ये ऑन ही, जैसा टिक टिक की जैसे आ जाती है ना तो वो है ये। ठीक है, इसको आपको ऑन ही रहने देना है, साउंड फीडबैक वॉल्यूम, साउंड फीडबैक वॉल्यूम, साउंड फीड, ये यहाँ से वॉल्यूम मैच मीडिया वॉल्यूम चेक,
75% of media volume. 75 है 50% of media volume. 25 है 25% of media volume. Cancel button. Cancel. ठीक है तो यहां पे इतनी है, तो यहां से आप जो भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. Cancel. Beeps and vibrations. तो यहां पे ऐसे बहुत सारे वाइब्रेशन फीडबैक ऑन. तो क्या करते हैं ऐसे, ये टॉकबैक ही जैसे ही है, कोई ज्यादा बताने की कोई जरूरत तो है नहीं वैसे. Accessibility, voice library, level of detail, beeps and vibrations, custom gesture. आप कस्टम गेस्टर, यहाँ से आप कस्टम गेस्टर रख सकते हो. गेस्टर यहाँ पे कौन से एक्स्ट्रा गेस्टर दिए गए वो देख लेते हैं. ठीक है टॉकबैक से, मतलब टॉकबैक में जो गेस्टर नहीं है वो यहाँ पे कितने से गेस्टर है देख लेते हैं. कस्टम गेस्टर Swipe down then right main menu. Swipe down then right main menu. Swipe left then up overview. Swipe left then down screen. Swipe right then up quick settings. Swipe right then down notification. Swipe right then up quick settings. Swipe left then down screen search. Swipe left then up overview. Swipe down then right main. Swipe down then left back. Swipe up then right main menu. Swipe up then left home. One finger angle. Swipe right then left scroll forward. Swipe left then right scroll back. Swipe down then up next reading control. Swipe up then down previous reading. Swipe right then left scroll. चलो ये. Swipe right then left scroll forward. Swipe right then left scroll forward. Swipe right then left पे क्लिक कर देते हैं. ठीक है. Swipe right then left. Okay अब आगे. Swipe right then scroll forward checked. Scroll forward check है. Scroll back unchecked. Scroll back. Home unchecked. Home. Back unchecked. Back unchecked. Overview unchecked. Overview unchecked. Notifications unchecked. ये तो gesture talkback में भी रहते हैं. Quick settings unchecked. All apps unchecked. All apps. देखिए guys all apps का ऑल एप्स के लिए कोई भी गेस्चर हम नहीं रख सकते टॉकबैक में, लेकिन यहाँ पे आप रख सकते हो. एक गेस्चर अप्लाई करोगे तो आपको ऑल एप्स लिस्ट ओपन हो जाएगी. आपको टू फिंगर से, मतलब दो उंगली से ऊपर स्वाइप नहीं करना होगा. आगे प्लेयर पॉज मीडिया अनचेक्ड. प्लेयर पॉज ये तो टॉकबैक में भी है. हाइड स्क्रीन अनचेक्ड. हाइड स्क्रीन ये भी है. टैप अनचेक्ड. टच एंड होल्ड टैप अनचेक्ड. टैप है. टच एंड होल्ड प्रीवियस आइटम नेक्स्ट आइटम प्रीवियस विंडो नेक्स्ट विंडो प्रीवियस रीडिंग नेक्स्ट रीडिंग मूव नेविगेशन मूव नेविगेशन स्टार्टर एंड सिलेक्शन मोड अनचेक्ड. मूव कर्सर टू बिगिनिंग मूव कर्सर टू एंड अनचेक्ड. सिलेक्ट ऑल अनचेक्ड. कॉपी अनचेक्ड. कट अनचेक्ड. पेस्ट अनचेक्ड. पेस्ट अनचेक्ड. मेन मेन्यू अनचेक्ड. नो एक्शंस अनचेक्ड. कैंसिल बटन. कैंसिल. ठीक है तो ये है गाइस सब. ठीक है तो मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ से. मुझे कोई गेस्टर किसी चीज के लिए नहीं रखना है तो आप रख सकते हो. ठीक है तो यहाँ पे इतने ऑप्शंस है गाइस. कस्टम गेस्चर. Swipe right then left scroll forward. अब क्या करते हैं कस्टम गेस्चर से बाहर चलते हैं. Prudent, accept, voice life, level of, beeps and custom, customize menus. यहाँ पे कस्टमाइज मेन्यू है जैसा कि आप रख सकते हो. कस्टमाइज मेन्यू मतलब टॉकबैक जैसे है गाइस. कोई ज्यादा Advanced settings. Advanced setting में भी वही है. Advanced cover proximity sensor to stop speech off switch off. ये ऑफ है. एडवांस सेटिंग में हम आए हैं अभी. ठीक है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसको ऑन कर देना है ताकि आपका टॉकबैक बोलता रहे तो आप उसको चुप करना चाहो तो सेंसर पे हाथ लेके जाओ अपना तो बंद हो चुप हो जाना चाहिए. तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ. इसको ऑन कर लेना है. ओके सिंगल टैप टू एक्टिवेट ऑफ स्विच ऑफ. ये ऑफ है. आप सिंगल टैप टू एक्टिवेट इसको ऑन कर सकते हो अगर सिंगल टैप करना चाहते हो तो. ऑटो मोड ऑफ स्विच ऑफ. ऑटो मोड ऑफ स्विच ऑफ ये भी है. इसको आप चाहो तो ऑन कर सकते हो. मतलब यहाँ पे से बहुत सारे हैं गाइस टॉकबैक जैसे ही. ज़्यादा कुछ बटन की कोई ज़रूरत है नहीं. आप लोग समझदार हो आप लोग समझ जाओगे. तो चलिए अब हम इसको ऑन करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे वर्क करता है. फास्ट एकदम वर्क करता है या नहीं करता. ठीक है क्योंकि आप लोगों को वेट अब नहीं करवा पाऊँगा गाइस है ना. ये ठीक नहीं है. ठीक है आप सभी लोग वेट कर रहे हो कि कैसा होगा ऑन करने पे कैसा चलता होगा. ये सोच रहे होंगे आपके मन में सवाल होगा. तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं. Home button, home back, permanent screen, accessibility settings. तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स है. ठीक है इस स्क्रीन रिक्वायर स्क्रीन रीडर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आएगा. इस पे क्लिक करना है. Accessibility. Accessibility. आगे. Back button. General selected. General. Vision. Hearing. Physical. Volume. Accessibility. Downloaded services. कुछ फोनों में download more services होता है. कुछ फोनों में download applications मतलब होता है. तो आपके फोन के अकॉर्डिंग आपको मतलब क्लिक करना है. मेरे पास Redmi का फोन है तो यहाँ पे Downloaded services. इस पे क्लिक करते हैं. More down. Back button. Downloaded schematics on provide permanent screen reader off provided by permanent ये screen reader. ये ऑफ है. इसको मैं ऑन करता हूँ. ठीक है. Permanent back button. Permanent screen accessibility checkbox unchecked. इसको चेक करते हैं. The service will view it and deny allow. Allow करते हैं. मैंने allow किया. अब मैं जिसो को बंद कर देता हूँ. ठीक है. Expand speech feedback and browse by touch suspended. Okay. मेरा suspend हो चुका है जिसो. अभी इसके नीचे मेरा चल रहा है. देखो. Settings.
back button settings. देखो टॉकबैक के जैसे ही आवाज है इसका after enabling the accessibility assistant sir after enabling the accessible prudence screen reader back button or downloaded services. देखो गाइस कितना फास्ट चल रहा है. देखो back down skip prudence back down skip prudence. देखो टॉकबैक इतने फास्ट नहीं चलता गाइस. back downloaded services back करते देखो accessibility back button prudence screen read back button system back button home button page 19 settings message WhatsApp 430 contact phone मुझे लग रहा है जैसे हम जीसो यूज कर रहे हैं उसी तरह मुझे ये लग रहा है इतने फास्ट चल रहा है गाइस. अब देखो टॉकबैक मेन्यू जैसे आप टॉकबैक में ओपन करते हो स्वाइप डाउन एंड राइट उसी तरह यहाँ पे भी आप टॉकबैक मेन्यू भी ओपन कर सकते हो. देखो मेन मेन्यू वहाँ पे टॉकबैक मेन्यू बोलता है यहाँ पे मेन मेन्यू बोलता है आगे कॉपी लेस स्पोकन फ्रेज. देखो ओपन कॉपी लेस स्पोकन फ्रेज ये भी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है. कॉपी नोट टेक्स्ट ओपन कॉपी नोट टेक्स्ट ओके रीड फ्रॉम टॉप रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम फोकस ऑन फर्स्ट आइटम ऑन स्क्रीन ओके फोकस ऑन लास्ट आइटम ऑन स्क्रीन सर्च स्क्रीन सर्च हाई स्क्रीन कैंसिल कैंसिल. तो ये गाइस बहुत ही अच्छा स्क्रीन रीडर है. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी ऑप्शन मैंने बताया वो समझ आ गए होंगे. मतलब ये टॉकबैक के जैसे है लेकिन टॉकबैक से कई गुना फास्ट चलता है. तो आपको फीडबैक देना है जो भी आपको कमियां नज़र आती होगी. अब मैं एक चीज़ आपको बताने भूल गया कि इसके अबाउट में जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है. सॉरी गाइस वो मैं भूल गया तो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है. System launcher. Open app drawer. Page 8. 80 page 6. Instagram. Instagram. Page 7. 23 page 8. Prudence screen reader. Okay, इसमें चलते हैं. Prudence screen. Prudence accessible voice light level of the beep sent by customer. आगे जाना है. Customize menu. Advanced. About us. About us में जाना है आपको. About us. ठीक है about us में मैं आया. अब आगे. About us. Prudence screen reader. Version number. Prudence screen reader. Privacy policy. Privacy policy इनके यहाँ पे. Contact us our official website. Okay, कौन इनके इनके official website पे आप जा सकते हो यहाँ से. Facebook. Facebook. WhatsApp. WhatsApp यहाँ से आप WhatsApp group में जुड़ सकते हो. Telegram. यहाँ से आप Telegram. /tv/plusgroup. यहाँ से आप इनके Telegram group में जुड़ सकते हो. Twitter. Twitter पे फॉलो कर सकते हो इनको. Line. ओके तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहो तो क्या करोगे. व्हाट्सएप. अब व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करता हूँ. देखो क्लिक नहीं होता गाइस. व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करता हूँ. देखो व्हाट्सएप उसके बाद लिंक बोल रहा है इस पर क्लिक करता हूँ. क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है सिंपल सा यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेना है ठीक है. कॉपी कैसे करना है टॉकबैक मेन्यू ओपन करना है मतलब जैसे मेन मेन्यू बोलते हैं स्वाइप डाउन राइट फिर इस पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक किए ये कॉपी हो चुका है अब ठीक है. कॉपी होने के बाद फिर किसी भी एक चैट में जाना है व्हाट्सएप के वहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर पेस्ट करने के बाद फिर उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर देना है तो आप ज्वाइन कर लोगे. तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा. और गाइज मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं अभी रात है बहुत और मैं रात के समय पर वीडियो बना रहा हूँ है ना. तो आप समझ पा रहे होंगे थोड़ी नॉइज़ भी आ रही होगी नॉइस है ना क्योंकि पंखे चल रहे हैं मैं रूम में वीडियो बना रहा हूँ ठीक है. तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.